बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस के अंदर खान साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और स्टिल खान साहब के साथ उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आए रोज कानून का आइन का कत्ल होता है। अब इसके अंदर हम बारह इस्तदा कर रहे थे कि खान साहब के हवाले से जो हमने दरखास्तें दी हैं उनके ऊपर फैसला दिया जाए, जो उनकी पटिशन है, जो भी आपने करना है, चाहे उनके हक में देना है चाहे उनके खिलाफ देना है, लेकिन बिला वजह इतनी लंबी डेट दे दी गई। अब लंबी डेट या नोटिस उसके अंदर करना, कानून ये कहता है कि नोटिस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि सेक्शन जो 426 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका, वो उसके अंदर कहीं भी नोटिस के हवाले से जिक्र ही नहीं है। तो लिहाजा जब चीफ साहब ने खुद लास्ट हियरिंग के ऊपर ये कहा कि जनाब आपको सुने बगैर भी सस्पेंशन के ऊपर मैं फैसला दे सकता हूं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के वकील को, तो फिर 26 दिन हो गए, इतना लंबा टाइम जो गुजारा गया है, किसी बंदे की आजादी को एक मिनट के लिए भी सलब नहीं कर सकते, ये आइन प्रोटेक्शन देता है, फिर क्यों इतना रखा गया, क्यों नहीं फैसला किया गया? तो लिहाजा अब लास्ट टाइम ये बहाना बनाया गया जी कि पेट खराब है, उससे पीछे बहाना बनाया गया जी कि तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वो वकील जिन्होंने सारा केस जो है वो प्रोसीड किया, तो आज कैसे कह सकते हैं कि उनकी तैयारी नहीं है? तो अब सोमवार के लिए ये मामला पेंडिंग है। हमारी ये इस्तदा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इल्तिजा है कि जनाब मेहरबानी करें, इसके ऊपर फैसला दें, जो भी फैसला देना है, और ताकि कानून, इंसाफ और हर तरह के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जा सकें। दूसरी तरफ ये बता दूं कि गिरफ्तारी के हवाले से ये न्यूज चल रही है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, खान साहब को अरेस्ट वो हो गए हैं जेल के अंदर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके ऊपर आइन का आर्टिकल 10(1) ये वाजिया है, वो कहता है कि किसी बंदे को आपने गिरफ्तार करना है तो उसे उस मुकदमे की या उसके अलावा कोई गिरफ्तारी है डिटेल्स देना जरूरी है, आपने लाजमी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो किसी तरह से खान साहब को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, और अगर गिरफ्तारी डाली जाती है तो 24 घंटों के अंदर लाजमी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उस जज के सामने पेश करना है जिस मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई हो। तो लिहाजा ना उन्हें पेश किया गया है क्योंकि गिरफ्तारी नहीं है, और अगर गिरफ्तारी डाली जाती है कल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं मंडे की, तो फिर उस वक्त ये जो गिरफ्तारी होगी ये गैर कानूनी होगी, इसको बिल्कुल हम फौरन वो चैलेंज करेंगे, और खान साहब इंशाल्लाह जूं ही इस मुकदमे से रिलीज होंगे तो बाकी मुकदमों में गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो रिलीज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।